الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گرامی قدر علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت اور خلاصہ کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ انسانوں اور جناتوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا طریقہ کیا ہوگا، عبادت کس طرح ادا کی جائے گی، ڈھنگ کیا ہوگا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا کہ وہ لوگ آپ کے سامنے زندگی گزاریں گے، ان کی زندگی کو دیکھنا، ان کے رہن سہن کو دیکھنا، ان کی نمازوں کو دیکھنا، ان کی زندگی و عبادت۔ نبی کی زندگی یہ عبادت۔ اب ہر بندہ نبی کی زندگی کا فالو کرے، ان کے اوپر چلے، تو وہ درست طریقے پر عبادت کو انجام دے سکتا۔ لیکن اگر ان سے ہٹ کر کے عبادت ادا کرے تو وہ آدمی گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ عبادت کا حکم دیا، طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو کوئی بھی طریقہ وہ اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ لوگوں نے اپنی عقلوں سے کام لیا، اپنی عقل سے عبادت کرنے کے طریقوں کو اختیار کیا، تو وہ لوگ گمراہ ہوئے، اور ایسے گمراہ ہوئے کہ وہ لوگ جہنم کے لائق ہو چکے، ایمان تک چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی بڑی حفاظت فرمائی ہے گمراہ ہونے سے، ہر معاملے میں امت کو بچانے کی کوشش ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے بغیر باپ کے، لوگوں نے ان کو
खुदा मान लिया, अल्लाह का बेटा करार दिया किसी ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को जो कलीमा दिया उस कलीमे में इसका खुलासा किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, यानी मैं अल्लाह को एक तो मानता ही हूँ लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। ये बंदे मानना ये इस बात की दलालत है कि बंदा मान करके रसूल मानो, ये अल्लाह का बंदा ही है, वो अल्लाह की ज़ात में शरीक नहीं हो सकता। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ ले गए, बड़ा वाकिया है। मेराज पे आप जब तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत लंबा सफ़र, हज़ारों सालों का सफ़र अल्लाह ताला ने आनन फानन लम्हों में उसको पूरा करवा दिया। तो कुरान वहाँ पर जब नबी का तस्किरा करता है तो सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, के वो ज़ात अपने बंदे को रातों रात ले चली ताकि लोग ये खतरात महसूस न करें कि नबी कोई और ताकत के साथ है, यानी अल्लाह का शरीक न समझ सकें। दूसरी उम्मतों के पास दुरूद शरीफ नहीं था, दूसरी उम्मतें अपने नबी पर दुरूद नहीं पढ़ती थी, दुरूद था ही नहीं। इस उम्मत के पास दुरूद आया ताकि वो दुरूद में दुआ करे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह ताला तू रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब जब दुरूद में ये दुआ करेगा तो गोया वो नबी के लिए जब दुआ कर रहा है तो बतरी के औला वो नबी को अपना रब तस्लीम नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने हदीस में है कि तीन जगहों पर तीन वक्तों में आप नमाज अदा नहीं कर सकते, मकरूह करार दिया है, सूरज निकलते वक्त, जवाल के वक्त और गुरूब के वक्त। हालांकि नमाज बड़ी इबादत है, रोका गया नहीं पढ़ेंगे आप। वजह क्या थी कि आप कहीं ऐसे वक्त में इबादत करें तो सूरत की परस्तिश लाजिम ना आए और आप अपने ईमान का सौदा न कर दें। तो रब तबारक व ताला ने बड़ा एहतमाम किया है इस उम्मत के ईमान को बचाने के लिए। खैर, अगली कौमों ने इन बातों का ख्याल नहीं किया, जब तक नबी रहे उनके साथ रहे, नबी जाने के बाद किताबों में तब्दीली करते चले गए और अपनी अकलों से काम लिया, ईमान से हाथ धो बैठे, जहन्नम के लायक बन चुके। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका वाक्या बड़ा तफसीली है। बगैर माँ के बगैर बाप के दुनिया में आए तो लोगों ने इनको अल्लाह का बेटा करार दिया या फिर खुदा करार दिया। असल में बनी इसराइल में एक बड़ा नेक आदमी था, हज़रत इमरान, बड़े पाकीज़ा मर्द थे वो। उनकी नेकी की वजह से लोगों ने हज़रत इमरान को मस्जिद अक्सा की इमामत सुपुर्द की थी कि आप इमामत करवाएंगे, वो इमामत करवाते थे। और उनकी अहलिया, उनकी बीवी हज़रत हन्ना, ये भी बड़ी पाकीज़ा औरत थी, नेक थी, लेकिन इन दोनों को कोई औलाद नहीं थी, इमरान और हन्ना को कोई औलाद नहीं थी। हज़रत हन्ना दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मुझे कोई नेक औलाद दे दे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनको उम्मीद जाहिर हुई कि मेरे पेट में बच्चा है, हज़रत हन्ना को। हज़रत हन्ना ने मन्नत मांग ली,
کہ میرا بچہ پیدا ہوا لڑکا تے مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا، میں اس بچے کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیتی ہوں۔ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اذ قالت امرأت عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ تقدیر کا کرنا یہ ہوا کہ جب حمل جننے کا وقت آیا، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، تو پیدائش کے بعد جب حنہ کو خبر دی گئی کہ آپ کو تو لڑکی پیدا ہوئی، منت مانی تھی کہ لڑکا پیدا ہو تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے گا، لیکن یہ کہا کہ آپ کے یہاں تو لڑکی ہوئی، تو مایوس ہو گئی حضرت حنہ کہ کیا کروں، اب لڑکی تو مسجد اقصیٰ کی خدمت انجام دے نہیں سکتی۔ یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا، ان کے دل میں بات ڈالی کہ فکر نہ کریں، یہی لڑکی ہم مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں، یہ لڑکی خدمت کرے گی۔ تسلی ہو گئی۔ قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم، اس کا نام مریم رکھا گیا۔ اب یہ لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو رکھنا تھا کسی کی تربیت اور پرورش میں، پرورش کون کرے؟ حنہ چاہتی تھی کہ زکریا کی خدمت میں رہے، لیکن ہر ایک بندہ وہاں یہ چاہتا تھا کہ یہ میری پرورش میں رہے، ہر ایک اس ننی منی بچی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ جب آپس میں لوگ مریم کو لینے کے لیے جگڑنے لگے تو قرآن اندازی کی گئی، چٹھیاں اچھالی گئی۔ تقدیر کا کرنا ہوا کہ زکریا کا نام آیا کہ زکریا ان کی پرورش کریں گے، اور زکریا چونکہ رشتے میں حضرت مریم کے خالو ہوتے ہیں، تو انہوں نے اپنی پرورش میں لیا، اور مسجد اقصیٰ کے پڑوس میں کمرہ بنایا گیا اور وہاں پر اس بچی کو رکھتے تھے۔ دن بھر بچی وہاں رہتی، رات کو حضرت زکریا، ان کے خالو اور ان کی خالہ وہاں پر سونے کے لیے چلی جاتی، دن بھر وہ عبادت میں مریم مشغول رہتی۔ حضرت زکریا جب کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ بے موسم پھل ہے، موسم نہیں ہے پھر بھی پھل ہے، یہ کیسے ہو چکا؟ تو کہتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا کہ وہ اللہ نے مجھے پھل دیے جو رزق دیتا ہے، بغیر موسم کے پھل مجھے دیتا ہے وہ۔ تو دن بھر تو یہاں رہتی، اب حضرت مریم علیہ السلام یہاں تربیت پاتی رہی، پرورش ہوتی رہی، وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت مریم کے پاس ایک فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر کے کہا کہ مریم ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں کہ آپ کے بطن سے، آپ کے پیٹ سے، آپ کے حمل سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت مریم گھبرانے لگی، واقعہ بڑا طویل ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں مختصر اشارہ، جو عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اس عقیدے کی طرف میں لے جا کر کے بات پوری کر دیتا ہوں۔ تو حضرت مریم سے فرشتے نے کہا کہ آپ کو بچہ پیدا ہوگا، حضرت مریم کہنے لگی کہ ہائے افسوس، آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ تیرا رب ہے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ بغیر باپ کے بھی اولاد دے دے، اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے وہ چلتا اس طریقے پر ہے کہ باپ اور ماں دو کے بعد بچے کا جنم ہوتا ہے،
लेकिन कभी अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत को बतलाते हैं, जैसे कि हज़रत आदम की पैदाइश बगैर माँ बाप के, हज़रत हव्वा की बगैर माँ के और हज़रत ईसा की बगैर बाप के। दुनिया का निज़ाम पूरा चलता है और उसकी जगह पर चलता रहता है। कभी कभी अल्लाह तबारक व ताला निज़ाम में तब्दीली ला करके पूरी कायनात को बतलाना चाहते हैं कि मैं वो खुदा हूँ कि निज़ाम को बदल सकता हूँ। सूरज चलता है, बराबर वक्त पर निकलता है, तुलू होता है, गुरुब होता है, जवाल आता है, लेकिन कभी अल्लाह तबारक व ताला उस पर ग्रहण लगा देते हैं, ग्रहण हो जाता है। बतला रहा है कि सूरज की कोई ताकत नहीं है, वो इबादत के लायक नहीं है, मैं इसको भी बेनूर कर सकता हूं। चांद को भी कभी बेनूर कर देता है, बारिश वक्त पर नहीं होती है, अल्लाह अपनी कुदरत दिखा रहा है। मरियम कहने लगी बच्चा मुझे कैसे होगा, मुझे किसी ने छुआ तक नहीं है। अब हजरत मरियम को हुक्म दिया गया कि आप जाइए जंगल की तरफ, खजूर के दरख्त की तरफ, खजूर की टहनियां फिलाइए, वो खजूर है जो गिरेगी आप इसको खाइए। इसी पर उलमा ने लिखा है कि औरत जब हमल की हालत में जब बच्चा जने और कमजोर हो जाए तो उसको खजूर खाना चाहिए, बड़ी मुकव्वी और ताकत वाली गिजा है। बच्चा पैदा हो गया, जन्म हुआ, अब लोग तोहमत लगाने लगे हजरत मरियम पर, कैसे बदकार तेरी माँ और तेरे बाप भी नहीं थे, ऐसी बदकारी तूने क्यों की, ये बच्चा कैसे आया। तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे नन्ने मुन्ने पैदाइश के साथ ही इन्होंने जवाब दिया, قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। और उन्होंने इकरार कर लिया कि ये कोई गलत तरीके पर मैं दुनिया में नहीं आया हूं, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आया हूं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ये वाकया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी वाक्या कुरान ने जिक्र किया। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो उम्मती बन करके भी कल आएंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद पर दो फरिश्तों के सहारों पर वो उतरेंगे। उतरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे जो इमाम होंगे इस उम्मत के, इमाम मेहदी, वो उनसे कहेंगे कि मुसल्ले नमाज का वक्त हो चुका, आप नमाज पढ़ाइए। इमाम हजरत ईसा कहेंगे कि नहीं, आपका इमाम नमाज पढ़ाएगा, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। चुनांचे नमाज वो अपने इमाम के पीछे पढ़ेंगे। उसके बाद वो जाएंगे दज्जाल को कत्ल करने के लिए। दज्जाल जब हजरत ईसा को देखेगा, देखते ही वो पिघलना शुरू हो जाएगा और वहीं पर उसका खात्मा कर दिया जाएगा। ये हजरत ईसा की पूरी तारीख है कुरान के हवाले से और हदीस के हवाले से। इस मामले को लेकर के 25 दिसंबर जो आइंदा कल है, उस दिन को ईसाई लोग उनकी याद में मनाते हैं और क्रिसमस के नाम से इसको याद करते हैं। क्रिसमस असल में दो लफ्जों को मिला के बनाया है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट से मुराद हजरत मसीह ईसा अलैहिस्सलाम है और मास का मतलब मिलाना है, यानी मसीह की पैदाइश में लोगों का मिलना, ये दो को जमा किया है। इस खुशी में सब मिलो और खुशियां मनाओ, और इसी को लेकर के मैरी क्रिसमस कहा जाता है, यानी अल्लाह को बेटा हुआ मुबारक, सबको मुबारक, ये अकीदा है। तो ईसाई लोग या दूसरे मजहब के लोग अगर हमें ये मैसेज भेजते हैं मैरी क्रिसमस या कोई भी, ऐसे वक्त में हम इनकी देखा देखी जवाब नहीं दे सकते, वरना अकीदे का मसला है। क्योंकि अल्लाह को कोई औलाद नहीं है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद। हम
अपने ताल्लुकात बाकी रखने के लिए इस तरह अखलाक में इतने गहरे चले जाते हैं कि अकीदे तक का ख्याल नहीं रहता। लिहाजा मैरी क्रिसमस मुसलमान की ज़बान से नहीं निकलेगा, और कोई लफ्ज़ ऐसा कि जिससे अकीदे की खराबी हो वो अपनी ज़बान से आदमी नहीं निकाल सकता। इससे एहतियात करें। और आए दिन लोग दूसरे मज़हब वाले लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके इस बात की कोशिश में है कि किसी तरह मुसलमानों के ईमान पर हमला कर दिया जाए, तो लोग पैसों पर पैसे खर्च करते चले जा रहे हैं, तो हम लोग अपने ईमान अपने इस्लाम को बचाने की फ़िक्र में रहें और ऐसे ख्यालात से अपनी ज़ातों को पाक रखा करें। यह बड़ी चीज़ है, क्योंकि आइंदा कल इस पर बहुत सारे मैसेज की लेन देन होने वाली है और व्हाट्सएप पर ये चीज़ें चलेगी। बचाएं, अगर कोई गैर हमें मैरी क्रिसमस कह करके मैसेज भेजता है तो हम क्या जवाब देंगे? हम शुक्रिया कह करके अपना रास्ता इख्तियार कर लें, इसके जवाब देने की फ़िक्र में न रहें, क्योंकि ये मुबारकबादी कि अल्लाह को बेटा होने की और अल्लाह को औलाद नहीं है। इससे बचें, एहतराज करें और मुकम्मल कोशिश करें। यह मामूली मामूली चीज़ों पर ये हैं। कुरान करीम ने सिर्फ एक औरत का नाम जिक्र किया है, हज़रत मरियम का, वरना पूरा कुरान उठा के देख लें किसी औरत का नाम कुरान में नहीं मिलेगा। ये ज़रूरत थी इसलिए ज़िक्र किया, वरना हज़रत आयशा, खदीजा, फातिमा किसी का नाम कुरान में नहीं है। इशारतन मिलेगा, नाम के साथ नहीं मिलेगा। कि औरत पर्दे की चीज़ है। एक ईसाई ने हमारे बुज़ुर्गों में से किसी से सवाल किया था कि हमारी मरियम बड़ी पाकीज़ा है, हमारे नबी की माँ, कि उसका नाम कुरान ने लिया और आपकी माँओं में से किसी का नाम कुरान में नहीं आया, क्या वजह? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, असल में तुमने तुम्हारी माँ पर तोहमत लगाई थी कि बेटा तू कैसे लाई, तो तुम्हारी तोहमत को हमारे कुरान ने दूर किया है। हमने हमारी माँओं पर तोहमत नहीं लगाई, हमने हमारी माँओं को पाकीज़ा कहा। आयशा भी पाकीज़ा है, खदीजा भी पाकीज़ा है, सब पाकीज़ा हैं, उन्होंने कभी गलत तोहमत हमने लगाई नहीं, तो हमें इसकी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तुमने चूँकि तुम्हारी माँ पर तोहमत लगाई, इतनी पाकीज़ा औरत पर तोहमत लगाई, जब तोहमत लगाई तो शुक्र तो हमारा तुम मनाओ कि तुम्हारी सफाई हमने कुरान के ज़रिए पेश की। तो इसमें दो सबक मिले कि अपनी औरतों का नाम बगैर ज़रूरत के शाया न करें, क्योंकि कुछ लोग नाम के ज़रिए भी लज्जत हासिल किया करते हैं। तो आज के बयान का खुलासा ये कि जब भी 25 दिसंबर आवे या वो दिन आवे, तो हम देखा देखी ताल्लुकात की बका के लिए, इस्लाम ने ताल्लुकात बाकी रखने के बहुत बहुत तालीम दी कि अगर गैर मुस्लिम के साथ आपका मिलन है तो आप अच्छे तरीके से पेश आइए, अगर खाने की ज़रूरत पेश आए हलाल हैं खा लीजिए, अगर उनके साथ बीमार हैं आपका पड़ोसी ताल्लुकात निभाइए, अगर दावत दे ताल्लुकात निभाइए, सब निभाइए, लेकिन जहां आपके अकीदे का ख़तरा हो वहां पर आप अलग हो जाइए। ला तौअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, के मालिक की नाफरमानी के साथ मखलूक की फरमा बरदारी नहीं की जा सकती। लिहाजा इन बातों पर गौर करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।